हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर धनराज, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। हम एल्कोहल के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम एल्कोहल को बनाने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। हमने विभिन्न प्रकार के एल्कोहल जैसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डायहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में अध्ययन किया था। सबसे पहले हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को कौन कौन सी विधियों द्वारा बनाया जा सकता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। कार्बोनिल समूह सी डबल बॉन्ड ओ युक्त कार्बनिक यौगिकों एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्जेलिक अम्ल एवं एस्ट्रो के अपचयन द्वारा मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों का निर्माण किया जा सकता है। इन यौगिकों का अपचयन दो प्रकार से होता है। हम सभी जानते हैं कि अपचयन किसको कहते हैं। यदि किसी यौगिक में हाइड्रोजन की वृद्धि हो अथवा ऑक्सीजन की कमी हो तो उसे हम अपचयन कहते हैं। तो हाइड्रोजन की वृद्धि यहाँ हम देखते हैं, जैसे कि एल्डिहाइड में हाइड्रोजन जुड़ता है तो एल्कोहल बन जाता है, यानी कि एल्डिहाइड का अपचयन होकर एल्कोहल बना देता है। दूसरी ओर है ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन होता है और एल्डिहाइड बनता है। सी डबल बॉन्ड ओ एच समूह में से एक ऑक्सीजन निकलता है तो सी एच ओ समूह बन जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है और एल्डिहाइड का अपचयन होता है तो फिर हाइड्रोजन की वृद्धि होकर एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। कार्बोनिल समूह युक्त कई कार्बनिक यौगिक जैसे कि एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल व एस्टर अपचयित होकर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाते हैं। इन विधियों द्वारा बने हुए एल्कोहल प्राथमिक अथवा द्वितीयक प्रकृति के होते हैं। इन विधियों से तृतीयक एल्कोहल नहीं बनाए जा सकते। इस वर्ग के कुछ सामान्य उदाहरण निम्न प्रकार है, जैसे एल्डिहाइड के अपचयन से 1 डिग्री एल्कोहल बनता है, कीटोन के अपचयन से 2 डिग्री एल्कोहल बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के अपचयन से 1 डिग्री एल्कोहल बनता है और एस्टर के अपचयन से 1 डिग्री एल्कोहल बनता है। इनमें से एल्डिहाइड और कीटोनों का अपचयन धातु उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा करवाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सोडियम व एल्कोहल Na+ROH तथा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का अपचायक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन अधिकांशतः एल्डिहाइड व कीटोन के अपचयन द्वारा एल्कोहल बनाने के लिए सोडियम बोरोहाइड्राइड का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखें हम 1-ब्यूटेनल की क्रिया सोडियम बोरोहाइड्राइड से H2O की उपस्थिति में करवाया जाए तो 1-ब्यूटेनॉल बनता है। और सेकेंड एग्जाम्पल हम देखें ब्यूटेनॉन, इसकी क्रिया NaBH4H2O से करवाने पर 2-ब्यूटेनॉल बनता है, जो कि 87% होता है। ये अभिक्रियाएं निम्न प्रकार से संपन्न होती है। इसमें 4 मॉलिक्यूल कार्बनिक यौगिक के लेते हैं और NaBH4+ 3 मॉलिक्यूल H2O के लेते हैं, तो 4 मॉलिक्यूल एल्कोहल बनता है और साथ में NaH2BO3 का निर्माण होता है। क्रियाविधि में क्या होता है कि हाइड्राइड आयन या H- आयन का स्थानांतरण होता है। जैसे हाइड्राइड स्थानांतरण, कार्बोनिल यौगिक में हम जानते हैं कि ऑक्सीजन पर आंशिक नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर आंशिक पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आंशिक पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन की जो क्रिया होती है वो बन जाता है आपका एल्कोक्साइड आयन और ये HOH की प्रेजेंस में एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है और साथ में NaOH बाहर निकल जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचयन सबसे कठिन होता है, लेकिन इन्हें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जैसे प्रबल अपचायकों के साथ अपचित करवाया जा सकता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचयन करके अत्यंत अच्छी मात्रा में प्राथमिक एल्कोहल बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर 2,2-डाइमिथाइल
प्रोपेनोइक अम्ल, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और H2O की उपस्थिति में नियोपेंटिल एल्कोहल जो कि 92% प्राप्त होता है। H2O का अपचयन उच्च दाब हाइड्रोजनीकरण द्वारा संपन्न होता है। यह औद्योगिक महत्व की विधि है तथा इसे हाइड्रोजिनोलाइसिस भी कहते हैं क्योंकि इसमें एक CO बंध का विदलन होता है। एक एस्टर लेते हैं और उसकी H2 के साथ क्रिया कॉपर ऑक्साइड की उपस्थिति में 175 डिग्री सेंटीग्रेड और 5000 PSI पर करवाते हैं तो RCH2OH प्लस R-OH यानि एल्कोहलों का मिश्रण प्राप्त होता है। कम मात्रा में प्रयोगशाला में संपन्न करने के लिए एस्टर का अपचयन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा भी संपन्न कराया जा सकता है। अतः सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 की तुलना में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक प्रबल अपचायक है। सोडियम बोरोहाइड्राइड केवल एल्डिहाइड व कीटोन का ही अपचयन कर सकता है जबकि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एस्टर अम्ल एल्डिहाइड व कीटोन सभी का अपचयन कर सकता है। अतः कहा जा सकता है कि अपचयन के प्रति कार्बोनिल समूहयुक्त यौगिकों की क्रियाशीलता का निम्न क्रम होता है अम्ल, अम्ल से अधिक क्रियाशील एस्टर, फिर कीटोन, फिर एल्डिहाइड। यानी BH4 द्वारा अपचयन किसका हो सकता है प्रबलता से एल्डिहाइड और कीटोन का, यानी कि अपचयन की बढ़ती हुई प्रकृति इसमें शो कर रही है। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक अत्यंत ही क्रियाशील अभिकर्मक है जो जल के साथ अत्यधिक तीव्रता से क्रिया करता है। इस कारण यदि इस अभिकर्मक का उपयोग तो बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। इसके लिए माध्यम को एकदम निर्जल रखना होता है और अभिक्रिया की निर्जल इथ्रीय विलयन में संपन्न कराते हैं। अभिक्रिया के पश्चात अभिक्रिया विलयन में विद्यमान कुछ अविघटित लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को विघटित करने के लिए विलयन में सावधानीपूर्वक एथिल एसीटेट की कुछ मात्रा डाली जाती है और बाद में उसमें जल डालते हैं जिसे एल्युमिनियम संकुल विघटित होकर एल्कोहल बनाता है। बोब्लांक अपचयन, यह एक विशेष प्रकार का अपचयन होता है जो कि एल्डिहाइड कीटोन अथवा एस्टर के अपचयन द्वारा एल्कोहलों का निर्माण बोब्लांक विधि द्वारा करवाया जा सकता है। यह अध्ययन 1903 में किया गया था। इसमें अपचाय के रूप में सोडियम के साथ एथेनॉल या एनब्यूटेनॉल का उपयोग किया जाता है। ये याद रखने वाली बात है, सोडियम के साथ किसका उपयोग किया जाता है, एथेनॉल या एनब्यूटेनॉल का उपयोग अगर कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन के लिए किया जाता है तो उसे हम बोब्लांक अपचयन कहते हैं। तो एल्डिहाइड इलेक्ट्रॉन और H+ की उपस्थिति में CH3CH2 में OH में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार से एस्टर और कीटोन भी एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। अब इसके अभिक्रिया जो होती है उसमें क्या होता है कि एक एक करके इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरित होता है। एस्टर का सोडियम धातु के साथ क्रिया करवाएंगे तो जो यौगिक बनता है उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है और सोडियम प्लस बाहर निकल जाता है। फिर C2H5OH से आगे रिएक्शन संपन्न होती है। तो इसी प्रकार से यह क्रिया आगे चलती रहती है और एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। एल्कोहल बनाने की कुछ अन्य विधियाँ निम्न प्रकार है। एल्किल हैलाइडों से इस विधि द्वारा तीनों प्रकार के एल्कोहलों का निर्माण किया जा सकता है। एल्किल हैलाइड को जब जलीय क्षारों के साथ यानी कि एक्वस बेस के साथ गर्म किया जाता है तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, वो एल्केनॉल का निर्माण होता है। जैसे एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन KOH एक्वस जलीय KOH के साथ करवाई जाए तो एथेनॉल बनता है और KBr बार निकल जाता है। इसी प्रकार से सेकेंडरी जो अपन रिएजेंट लेते हैं टू ब्रोमो प्रोपेन की क्रिया KOH के साथ करवाई जाएगी तो 2-प्रोपेनॉल मुख्य उत्पाद के रूप में बनेगा। इसी प्रकार से तृतीयक हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के स्थान पर विलोपन उत्पाद ही मुख्य उत्पाद के रूप में बनाते हैं। अतः इसके कुछ विशेष व्यवस्था करनी होती है। जैसे CH3CH3Br इसकी क्रिया एसिड के सिल्वर लवण के साथ करवाया जाए एथिल एल्कोहल की उपस्थिति में तो AgBr बनता है।
और जो प्रोडक्ट बनता है उसकी क्रिया NaOH की उपस्थिति में करवाई जाए तो थर्ड डिग्री एल्कोहल बन जाता है। दूसरा, एल्कोहलों को बनाने की जो विधि है वह है ग्रिग्नार अभिकर्मकों द्वारा, RMGX के द्वारा। RMGX की क्रिया यदि फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवाया जाए और बने हुए उत्पाद का जलावर्तन कराया जाए तो 1 डिग्री एल्कोहल बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में MgBrOH निकलता है। यह ग्रिग्नार अभिकर्मक की क्रिया यदि एथिलीन ऑक्साइड से करवाया जाए तो ग्रिग्नार अभिकर्मक से 2 कार्बन अधिक वाला एल्कोहल प्राप्त होता है और वो भी प्राथमिक एल्कोहल ही प्राप्त होता है। और फॉर्मेल्डिहाइड, यहाँ ये ध्यान रखना है कि RMGX की क्रिया यदि फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवाया जाए तो प्राथमिक एल्कोहल बनता है और यदि एथिलीन ऑक्साइड से क्रिया करवाया जाए तो भी प्राथमिक एल्कोहल बनता है, परंतु उस एल्कोहल में RMGX में जितने कार्बन होते हैं उसे 2 अधिक कार्बन वाला एल्कोहल बनता है। और फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त अन्य एल्डिहाइड लेंगे तो सेकेंडरी एल्कोहल का निर्माण होता है। और कीटोन के साथ अगर अभी क्रिया करवाएंगे तो 3rd डिग्री एल्कोहल का निर्माण होता है। तो ये इम्पोर्टेंट विधि है ग्रिग्नार अभिकर्मक से एल्कोहल बनाने की। फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे तो प्राथमिक एल्कोहल बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त अन्य एल्डिहाइड लेंगे तो सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा, और कीटोन के साथ अगर अभी क्रिया करवाएं RMGX की तो बनता है 3rd डिग्री एल्कोहल। दूसरी विधि एल्किनों के जलयोजन से, एल्किनों को जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो एल्किनों का जलयोजन हो जाता है और एल्केलोल बनते हैं। इस विधि से तृतीयक एल्कोहल द्वितीय की तुलना में अधिक आसानी से बनते हैं तथा प्राथमिक एल्कोहल में केवल एथेनॉल ही बना सकते हैं। जैसे प्रोपीन की क्रिया H2SO4 के साथ H2SO की उपस्थिति में करवाया जाए तो 2-प्रोपेनॉल बनता है। 2-मेथिल प्रोपीन की क्रिया करवाया जाए तो 2-मेथिल-2-प्रोपेनॉल बनता है, और एथिलीन की क्रिया H2SO4 प्लस HOH की उपस्थिति में करवाया जाए तो एथेनॉल बनता है। क्रियाविधि क्या होती है इसकी? ये अभिक्रिया एक मुक्त कार्बोकेटायन द्वारा संपन्न होती है, यानी कि एल्किन प्लस H+ तो एक 2nd डिग्री कार्बोकेटायन बनता है जो जल की उपस्थिति में क्रिया करके OH2+ का फॉर्मेशन करता है प्रोडक्ट में, जो जुड़ा रहता है प्रोडक्ट के कार्बन के साथ और -H+ निकल के एल्कोहल का फॉर्मेशन कर जाता है। क्योंकि 1/3 डिग्री कार्बन C+ आयन सबसे अधिक स्थायी होता है, इसलिए तृतीयक एल्कोहल आसानी से बनते हैं। उपयुक्त अभिक्रिया एक मुक्त कार्बोकेटायन द्वारा संपन्न होती है, यदि पुनर्विन्यास की गुंजाइश हो तो हमें रीअरेंजमेंट एल्कोहल ही मिलते हैं। नेक्स्ट विधि है मर्क्यूरीकरण अभिक्रिया द्वारा, यह भी एक महत्वपूर्ण विधि है। यह एक युग्म अभिक्रिया है जिसमें 2 प्रक्रम होते हैं, 2 स्टेप में रिएक्शन संपन्न होती है। फर्स्ट है ऑक्सीमर्क्यूरीकरण। इस अभिक्रिया में एल्किन अणु में मर्करी यौगिक की योगात्मक क्रिया संपन्न होती है। इसके लिए हम टेट्राहाइड्रोफ्यूरन मीडियम में एल्किन की मर्क्यूरिक एसिटेट से क्रिया करवाते हैं। एल्किन की मर्क्यूरिक एसिटेट से क्रिया करवाने पर एल्किन पे क्या जुड़ जाता है? एल्किन के कार्बन पर ऑक्सीजन जुड़ जाता है और OCOCH3 के साथ जुड़ता है, तो इसको हम कहते हैं ऑक्सी मर्क्यूरीकरण। दूसरे स्टेप में डी मर्क्यूरी रिएक्शन यानी कि वी मर्क्यूरीकरण होता है। इस अभिक्रिया में अणु से मर्करी परमाणु का निष्कासन होता है। इसके लिए उपयुक्त अभिक्रिया में बने हुए मर्करी यौगिक की सोडियम बोरोहाइड्राइड व सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करवाते हैं। मर्करी निकल जाता है और उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? एल्कोहल। इस संपूर्ण विधि में को हम जिससे कि एल्कोहल प्राप्त होता है एल्किन कर पर मार्कोनी कोप के नियमानुसार जलयोजन हुआ है। अगर हम इस दोनों स्टेप्स को ध्यान से देखें तो इसमें कुल मिलाकर क्या होता है कि मार्कोनी कोप के नियमानुसार एच और OH अणु का योग होता है। जैसे मर्क्यूरीकरण में जैसे CH3 CCH OCO CH3 CH2 CH CH2 के साथ HGO CO CH3 जुड़ा हुआ है और
इसकी क्रिया NaBH4 NaOH के साथ करवाया जाए तो इसमें से HG बाहर निकल जाता है और एसिटिक अम्ल के दो मॉलिक्यूल भी बाहर निकलते हैं और हमें ब्यूटेनॉल प्राप्त होता है, 3,3-dimethyl-2-butanol। तो ये हमने एल्कोहल बनाने की कुछ विधियों के बारे में चर्चा की है। आगे भी हम कल पढ़ेंगे हम हाइड्रोबोरोनीकरण द्वारा किस प्रकार से एल्कोहल बनाया जाता है, ईथर से किस प्रकार एल्कोहल बनाया जाता है और एल्किनोल से किस प्रकार एल्कोहल बनाया जाता है, इसके बारे में हम